सतना में देर रात फायरिंग, व्यापारी ने विवाद के दौरान मिठाई विक्रेता को मारी गोली। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सतना शहर की पौश कॉलोनियों में से एक भरहूत नगर कॉलोनी में रविवार को देर रात हुई गोली चलने की घटना में एक मिठाई विक्रेता घायल हो गया। उसे निजी अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने गोली चलाने वाले व्यापारी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक कोलगवा थाना अंतर्गत भरहूत नगर कॉलोनी में रविवार की रात विजय गुप्ता उर्फ मंटू ने महेश चुगवानी नामक मिठाई विक्रेता को गोली मार दी। गोली महेश के हाथ में लगी, उसे आनंद फानंद में बिरला अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया। अब उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। बताया जाता है कि यह वारदात लोहा व्यापारी उमेश लोहिया के घर के सामने हुई। आरोपी विजय गुप्ता उर्फ मंटू तथा उमेश लोहिया का मकान आमने सामने है। विजय उर्फ मंटू, उमेश लोहिया और महेश चुगवानी रविवार की रात कहीं डिनर करने गए थे। वहीं मंटू और उमेश के बीच विवाद हुआ। महेश उस वक्त वहीं था, लिहाजा वह वापसी में भी उनके साथ आ गया। घर पहुंचते ही मंटू जैसे ही कार से उतरा, उसने महेश पर पिस्टल तान दी। महेश ने बीच बचाव की कोशिश की, तभी मंटू ने एक के बाद एक तीन फायर कर दिए। निशाना चूका और गोली उमेश को लगने के बजाय महेश के हाथ में जा घुसी। वारदात के बाद लोहिया के घर और निजी अस्पताल में कई अन्य व्यापारी भी आ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मंटू गुप्ता को हिरासत में ले लिया है। कहां से आई आचार संहिता में पिस्टल? विधानसभा चुनाव के लिए प्रभावी आचार संहिता के दौरान सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर लाइसेंस धारकों को शस्त्र जमा करने के आदेश जिला मजिस्ट्रेट ने दे रखे हैं। ऐसे में मंटू गुप्ता के पास पिस्टल कैसे आई? क्या उसने पिस्टल जमा नहीं की या कहीं से अवैध पिस्टल का इंतजाम करके रखा था? इस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। कोलगवा पुलिस इन बिंदुओं की भी जाँच कर रही है। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।